बड़हरगंज पुलिस व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो प्राप्त कर ब्लैकमेल करने का काम करता था। जिसके संबंध में एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर अभियुक्त को साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अजरुद्दीन पुत्र गुलजार निवासी चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी क्राइम ने बताया कि अभियुक्त इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो प्राप्त करके युवती को असली हरकत करने के लिए ब्लैकमेल करता था तथा अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने प्रिया पायलट के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लड़की बनकर बात करता था। जब फोटो प्राप्त हो जाती थी तो यह फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था और वीडियो कॉल पर अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर कर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर रख लेता था, जिसको साइबर क्राइम और बड़हलगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी क्राइम ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बड़हलगंज थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, साइबर क्राइम प्रभारी महेश कुमार चौबे, सीसीओ शशि शंकर राय, शशिकांत जायसवाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, ठीक है। ये इस प्रकार की शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी आईडी बना के महिलाओं के लिए परेशान कर रहे हैं। इन पे जब आगे बढ़े तो उसमें जानकारी मिली कि इंस्टाग्राम पे फर्जी आईडी लड़कियों के नाम पे बना के ये उस पे मैसेज डालते थे कि हम आपको एयर होस्टेस में नौकरी दिलवा देंगे और नौकरी दिलवाने के नाम पे न्यूड फोटो प्राप्त करते थे, न्यूड फोटो प्राप्त करके फिर ब्लैकमेल करते थे। क्योंकि यहाँ का गोरखनाथ क्षेत्र का निवासी है, इसके लिए गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि प्रिया पायलट के नाम से इसने आईडी बना रखी थी, उससे जो है लड़कियों को लिए झांसे में लेकर उनकी न्यूड फोटो प्राप्त करके और उसका करता था। ये इसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें आपत्तिजनक क्लिप्स बरामद हुई है। थाना बड़हलगंज पे मुकदमा पंजीकृत कर ITF 66D और 67B और 46 IPC के तहत हुए अभियोग कायम कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जैसा कि मैंने बताया कि आपत्तिजनक वीडियो या इंस्टाग्राम पे फर्जी फेसबुक आईडी प्राप्त करके बनाता था, इसमें साइबर सेल प्रभारी महेश चौबे और उनकी टीम शशिकांत राय और शशि जायसवाल और इंस्पेक्टर बड़हलगंज का इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने में, इसको गिरफ्तार करने में इस टीम का रोल रहा है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के फ्रॉड से, इस प्रकार ब्लैकमेल होने से बचने के लिए अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, अनजान व्यक्तियों की फेसबुक रिक्वेस्ट के लिए स्वीकार ना करें, अपने प्रोफाइल के लिए प्राइवेट करके लिए रखें, किसी भी अवांछनीय लिंक या कोड पे क्लिक ना करें, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बायोडाटा बिना किसी साइट को वेरीफाई किए हुए शेयर ना करें। इस प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ लोग जो है फर्जी इंस्टाग्राम पे आईडी बना के महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, तो इसमें साइबर सेल की टीम लगी हुई थी। तो साइबर सेल की टीम ने पाया कि
इसमें जो अजहरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति के लिए गिरफ्तार किया। इसके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, उस फ़ोन में कई आपत्तिजनक वीडियो उसमें प्राप्त हुए, जो कि इसने प्रिया पायलट के नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम पे आईडी बना ली थी। उससे ये लड़कियों के लिए लालच देता था जॉब दिलाने के नाम पे, जॉब दिलाने के नाम पे उनके फर्जी उनकी वीडियो प्राइवेट वीडियो उनके प्राइवेट प्राप्त कर लेता था और उस वीडियो का मिसयूज करके उनको ब्लैकमेल करता था। अभी तो इससे पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में इसके फ़ोन से 10-12 वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार इसने जो है लड़कियों के लिए बेवकूफ बनाया है। और इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में साइबर सेल प्रभारी महेश चौबे और उनकी टीम शशिकांत जायसवाल और शशिकांत राय और इंस्पेक्टर गणनगण की टीम इसमें रही है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रारंभिक जानकारी में अकेले ही इनका नाम आया है। और इसी में मैं बताना चाहूँ कि इससे बचने के लिए अपनी प्रोफाइल के लिए लॉक करके रखें और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कोई OTP किसी के साथ शेयर ना करें, अनजान नंबरों से व्हाट्सएप कॉल ना करें और किसी भी अनजान लिंक पे या कोई मैसेज आए तो उस पर क्लिक ना करें। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करें और अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। अभी तक तो कोई आपराधिक इतिहास इसका नहीं मिला है पूर्व में, परंतु अभी और जानकारी की जा रही है अन्य थानों से।